हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बर्ड ब्रीडिंग बाय लखविंदर। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बेसिक जेनेटिक्स यूज्ड इन लव बर्ड ब्रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो हम जेनेटिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है डोमिनेंट। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डोमिनेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक ग्रीन बर्ड है, ठीक है, एंड आपने उसकी मेटिंग करवाई या उसकी क्रॉसिंग करवाई ब्लू बर्ड के साथ। इससे जो हमारे पास चिक्स आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन होंगे एंड वो स्प्लिट होंगे ब्लू के। तो देखिए इस एग्जांपल पे थोड़ा गौर करिए कि जो भी हमारे पास चिक्स आए हैं वो सारे के सारे ग्रीन हैं, एक भी हमारे पास ब्लू बच्चा विजुअली नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ ट्रेट दैट विल अपियर इन द ऑफ स्प्रिंग इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट इट। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक ग्रीन बर्ड था, एक ग्रीन पेरेंट था एंड हमारा एक ब्लू पेरेंट था, एंड जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो चिक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रीन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रीन कलर है वो हमारा डोमिनेंट हुआ एंड जो हमारा ब्लू कलर है वो हमारा रिसेसिव हुआ। मतलब जो कलर फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, एंड जो कलर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके फर्स्ट जनरेशन में उसको हम रिसेसिव कहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे ग्रीन बर्ड थी एंड वो स्प्लिट थी ब्लू की, हमारे पास एक भी ब्लू बर्ड नहीं आई। तो इस केस में हमारे पास जो ब्लू कलर है वो हमारा रिसेसिव हुआ। तो हमारा सेकंड टर्म ही यहाँ पे कवर हो चुका है, रिसेसिव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द ट्रेट विच गेट सप्रेस्ड। यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर है वो एक तरीके से सप्रेस हो चुका है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। हमारा जो थर्ड टर्म है वो है जीन। जीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊँगा, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि मान लीजिए ये हम एक लाइन है एंड ये हमारा डीएनए है, ठीक है। इस लाइन में एक छोटी सी और लाइन कर दो या इसका छोटा सा एक पार्ट इस लाइन का, उसको हम जीन कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज़ लोकेटेड यूजुअली ऑन अ क्रोमोसोम एंड इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो डीएनए में एक छोटा सा पार्ट उसको हम जीन कहेंगे, एंड जो जीन होती हैं ये हमारे प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है वाइल्ड वेराइटी या वाइल्ड स्ट्रेन, द बेसिक ग्रीन बर्ड, ठीक है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होंगी कि जब हम नेचर में या हम वाइल्ड में देखते हैं तो हमको पीच फेस लव बर्ड या ग्रीन फिशर ही देखने के लिए मिलती हैं। आपको नेचर में ना तो वायलेट या फिर लुटिनो या फिर ऑरेंज फेस लुटिनो अपलाइन, ये सारे म्यूटेशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जो भी आज हम म्यूटेशंस देखते हैं, जो भी हम म्यूटेशंस देख रहे हैं उनके जो रियल पेरेंट्स थे, जो उनके ओरिजिनल पेरेंट्स थे या जो उनकी ओरिजिन थी, वो एक ग्रीन बर्ड थी। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है म्यूटेशन। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ डिविएशन और चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच चेंजेस द फिज़िकल अपीयरेंस। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास एक 5 सेंटीमीटर का थ्रेड है एंड इस 5 सेंटीमीटर के थ्रेड में आपके पास 1 सेंटीमीटर की एक जीन है,
जिसकी वजह से हमारे पास एक ग्रीन बर्ड आ रही है। ठीक है, ये हमारा केस वन है। सेकंड केस देखिए कि हमारे पास अगेन एक 5 सेंटीमीटर का थ्रेड है, बट इसमें क्या हुआ, कुछ ऐसा बदलाव आ गया जिसकी वजह से बाहर से कुछ ऐसे फैक्टर या इंटरनल कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से जो ये 1 सेंटीमीटर की जीन थी वो डिलीट हो गई, वो डिलीट हो गई। तो जो हमारे पास बचा वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का थ्रेड बचा। तो अब क्या हुआ, जब ये 5 सेंटीमीटर का थ्रेड था तब तो हमको ग्रीन बर्ड मिल रही थी, बट अब ये जब 4 सेंटीमीटर का थ्रेड है तो हमको अब येलो बर्ड मिल रही है। तो इसको कहते हैं हम म्यूटेशन। नॉर्मल डीएनए में से कुछ ऐसा बदलाव हो जाना या कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिलीट हो जाना जिसकी वजह से फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल कलर, बाहर से विजुअल जो कलर है वो ही चेंज हो जाए, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जो भी आप आजकल वैरायटी देखते हैं, वायलेट, लुटिनो ऑपलाइन एंड ग्रीन बर्ड को छोड़ के जो भी आप कलर देखते हैं वो सारे के सारे म्यूटेशंस हैं। एंड जो हमारी वाइल्ड वैरायटी है वो है ग्रीन बर्ड, दैट इज़ ग्रीन पीच फेस या ग्रीन फिशर। सो हमारा नेक्स्ट टर्म है क्रोमोसोम। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ और डायग्राम। देखिए, ये एक टिपिकल सेल है एंड इस टिपिकल सेल के अंदर जो ये डार्क ब्लू रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस का एक एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे दिखाया गया है एंड इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं एंड इसी क्रोमोसोम का एक एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। क्रोमोसोम के अंदर हमारे होते हैं डीएनए एंड डीएनए का एक सेगमेंट को या डीएनए के एक स्मॉल सेक्शन को हम कहते हैं जीन। एंड जो जीन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी में सारी जो भी प्रोटीन्स होती हैं उसके लिए, उसको कोड करने के लिए। एंड इवन एक बर्ड का कलर भी कौन सी प्रोटीन कोड हो रही है उसे डिटरमाइन करता है। तो जीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद देखिए, ये एक फ़ोटो दी गई है ह्यूमन क्रोमोसोम की। ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये एक मेल के अंदर देखा जाएगा एंड इन केस ऑफ बर्ड्स एक्स वाई मतलब होता है फीमेल। सो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। अभी ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो ऑटोसोम होते हैं ये 22 पेयर्स होते हैं आउट ऑफ 23। देन जो ये होते हैं ये हमारा जेंडर या सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, और उनके कंट्रास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये 1 पेयर होते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जेंडर या सेक्स के लिए। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन ह्यूमंस फीमेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम।
ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल होती हैं उनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोज़ोम होता है, एंड जो मेल होते हैं उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोज़ोम होते हैं। एंड जब हम बर्ड्स में देखते हैं ये टोटली ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जो मेल होता है वो एक्स एक्स होता है, एंड जो फीमेल होती है वो एक्स वाई होती है। तो ये टोटली ऑपोजिट है ह्यूमन से। अगर हम थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिकली देखा जाए तो बर्ड्स के अंदर हम एक्स एक्स या एक्स वाई यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम यूज़ करते हैं एक फीमेल बर्ड के लिए, एंड जेड जेड यूज़ करते हैं मेल बर्ड्स के लिए। आफ्टर मेटिंग ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम टू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%। अब इसका क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये हमारी फीमेल है एंड इसके ये क्रोमोसोम हैं। एंड देन ये हमारा मेल है, ये मेल के क्रोमोसोम। मान लीजिए इन फ्यूचर में इनकी क्रॉसिंग या इनकी मेटिंग होती है, तो जो उनका चाइल्ड आएगा वो एक क्रोमोसोम फीमेल से लेगा एंड एक क्रोमोसोम मेल से लेगा। तो जो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ जो ये रेड वाला क्रोमोसोम है वो फीमेल से आया एंड मेल का जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से येलो वाला कलर का आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा चाइल्ड है वो उसके पास फीमेल से भी क्रोमोसोम आया है एंड वो मेल से भी क्रोमोसोम आया है। तो उसका ये मतलब है कि जो चाइल्ड होता है वो 50% चांसेस होते हैं कि उसके पास एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है एंड उसके पास वाई क्रोमोसोम भी आ सकता है। एंड सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सो ईच ऑफ स्प्रिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक फीमेल से क्रोमोसोम आ रहा है, एक मेल से क्रोमोसोम आ रहा है, तो ये मिक्सचर हो गया, हैविंग एक्स एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन मेल। अगर ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ बर्ड्स तो ये मेल बन जाएगा, और अगर ये एक्स वाई क्रोमोसोम है तो ये फीमेल बन जाएगी। वॉट इज मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस? मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वो तरीका जिससे एक पर्टिकुलर म्यूटेशन या पर्टिकुलर कैरेक्टर पेरेंट से चिक्स को कैसे पास हो रहा है, उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस दो टाइप के होते हैं, या तो वो हो सकता है ऑटोसोमल या वो हो सकता है सेक्स लिंक्ड। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड उसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं एंड वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, टू बी मोर स्पेसिफिक ये हमारे पास ऑटोसोम्स है, ऑटोसोमल पेयर है, ऑटोसोमल पेयर है ऑफ क्रोमोसोम है। अगर इन क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन होता है तो हम उसे कहेंगे ऑटोसोमल म्यूटेशन। ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से अगर किसी क्रोमोसोम पे, किसी भी ऑटोसोम पे म्यूटेशन होता है तो हम उसे कहेंगे ऑटोसोमल म्यूटेशन।
सिमिलरली अब हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एंड ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम है एंड अगर इन क्रोमोसोम पे कुछ म्यूटेशन होता है, ठीक है, अगर इन क्रोमोसोम पे कोई म्यूटेशन होता है तो हम उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब देखते हैं ऑटोसोमल म्यूटेशन के कौन से टाइप होते हैं। ऑटोसोमल म्यूटेशन के टाइप होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर होता है नॉन सेक्स लिंक्ड ईनो। देन उसके बाद सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन के टाइप होते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देन होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए एक एक करके ये क्या है इनको अच्छी तरह समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इन केस ऑफ डोमिनेंट म्यूटेशन वी ओनली नीड वन पेरेंट टू प्रोड्यूस चिक्स लाइक दैट ऑफ डोमिनेंट पेरेंट। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट म्यूटेशन में हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर कैरी कर रहा है तो हमारे पास जो भी चिक्स आएंगे वो सारे के सारे वो कैरेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, इसको मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल वही होगा कि जब हम एक ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड के साथ मेयरिंग करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे डोमिनेंट आते हैं, दैट इज़ ग्रीन कलर के आते हैं एंड वो स्प्लिट होते हैं ब्लू के एंड ब्लू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो एक रिसेसिव कैरेक्टर हो जाता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब कि जो ऑटोसोम्स के ऊपर म्यूटेशन हो रहा है उसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट जो है वी कैन नॉट हैव बर्ड स्प्लिट फॉर डोमिनेंट म्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास बर्ड्स होती हैं कि जो स्प्लिट होती हैं अल्बिनो की या किसी ब्लू बर्ड की, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी डोमिनेंट म्यूटेशन का एक भी पेरेंट होगा तो वो अपना इफ़ेक्ट हमेशा शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि डोमिनेंट के लिए हमारे पास कोई बर्ड स्प्लिट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एज द म्यूटेशन इज़ डोमिनेंट वी हैव सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर बर्ड्स। ये सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर बर्ड क्या होती हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफ द फादर पासिस अ क्रोमोसोम विद डोमिनेंट म्यूटेशन एंड मदर डू नॉट, अगर फादर एक क्रोमोसोम पास कर रहा है जिसके ऊपर एक डोमिनेंट म्यूटेशन है एंड जो मदर है वो पास नहीं कर रही है तो हमारे पास जो चिक आएंगे वो होंगे सिंगल फैक्टर। ठीक है, सिंगल फैक्टर चिक होंगे। और ऑपोजिट केस में इफ़ बोथ द पेरेंट्स पासिस द क्रोमोसोम विद डोमिनेंट म्यूटेशन देन वी गेट डबल फैक्टर बर्ड। चलिए इसको समझ लेते हैं कि सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर चीज़ है क्या एग्जैक्टली। देखिए मान लीजिए हमारा ये मेल बर्ड है, ये हमारी मेल बर्ड है एंड ये हमारी फीमेल बर्ड है, ये दोनों हमारी बर्ड जो हैं सिंगल फैक्टर बर्ड हैं। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमारे पास क्या हुआ कि चार टाइप के चिक्स आते हैं। एक हमारे पास आएगा नॉर्मल, जो नॉर्मल ग्रीन चिक आएगा, एक दो चिक हमारे पास आएंगे सिंगल फैक्टर एंड एक चिक आएगा हमारे पास डोमिनेंट या डबल फैक्टर। ठीक है, डबल फैक्टर मतलब कि जो क्रोमोसोम है वो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन होना चाहिए तभी हम उसको हम डबल फैक्टर कहेंगे। अगर क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन है तो उसे हम सिंगल फैक्टर कहेंगे।
ठीक है, तो इस एग्जांपल में जो देखिए यहाँ पर जो हमारी क्रॉसिंग थी उसमें दिखाया गया कि सिंगल फैक्टर डार्क फैक्टर इनटू सिंगल फैक्टर डार्क फैक्टर गिव्स अस, कि यहाँ पर देखिए 25% विदाउट डार्क फैक्टर लाइट ग्रीन और ग्रीन, ठीक है, कि जो हमारे पास आएंगे 25%, ये हमारे पास 25% डार्क ग्रीन आई मीन लाइट ग्रीन या नॉर्मल ग्रीन बच्चे आएंगे, फिर हमारे पास 50% देखिए सिंगल फैक्टर आएंगे एंड हमारे पास 25% डोमिनेंट फैक्टर आएगा, इसे हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है हमारी नॉर्मल ग्रीन पीच फेसबर्ग, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन की हमारी एग्जांपल है नॉर्मल ग्रीन पीच फेसबर्ग, या फिर जो डबल फैक्टर ग्रीन बर्ड दैट इज़ अब जिसको हम यूजुअली ऑलिव पीच फेस भी बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए देखते हैं ये क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ रिसेसिव फैक्टर नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर टू बी विजिबल। अब ये ऑटोसोमल है तो उसका मतलब हमारे ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो ऑटोसोम्स के ऊपर ही हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट अ रिसेसिव फैक्टर नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑन द क्रोम ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर टू बी विजिबल, मतलब कि एक रिसेसिव फैक्टर को विजिबल होने के लिए दोनों क्रोमोसोम का म्यूटेशन होना ज़रूरी है। अगर एक ही क्रोमोसोम पे एक म्यूटेशन हुआ है एंड जो हमारा दूसरा क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है तो हमको वो रिसेसिव म्यूटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ द म्यूटेशन इज़ प्रेजेंट ऑन ओनली वन ऑफ द क्रोमोसोम देन वी गेट अ ग्रीन बर्ड विच इज़ कैरियर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्प्लिट बर्ड। देखिए अगर ये दोनों क्रोमोसोम म्यूटेटेड हैं तो हमको एक रिसेसिव म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा, एंड इन केस अगर एक ही क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, एक ही क्रोमोसोम म्यूटेटेड है जो दूसरा क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो चिक्स आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के होंगे एंड वो स्प्लिट होंगे उस म्यूटेशन के जो विजिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ वो दोनों क्रोमोसोम पे विजिबल प्रेजेंट नहीं था। तो अगर ये ब्लू है तो ये हमारी बर्ड जो है वो ब्लू की स्प्लिट हो जाएगी। बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी स्प्लिट फॉर रिसेसिव म्यूटेशन। इसका मतलब कि सिंस ये ऑटोसोमल म्यूटेशन है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन जेंडर क्या है बर्ड का, मेल भी उतनी परसेंट ही अफेक्टेड होंगे जितनी परसेंट फीमेल होंगी, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी अफेक्ट हो सकता है इस म्यूटेशन से। फॉर एग्जाम्पल इन पर्सोनाटस ब्लू कलर इज़ पास्ड ऑन ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर उसमें यह कहा गया था कि जो पर्सोनाटस जो मास्ट लव बर्ड्स होती हैं, मास्ट आयरिंग लव बर्ड्स होती हैं, उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस से पास होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लू बर्ड है एंड हमारे पास एक ग्रीन बर्ड है, इनकी इनकी जब मेटिंग हुई, इनकी जब क्रॉसिंग हुई तो हमारे पास जो बर्ड आई सारी ग्रीन आई एंड
वो स्प्लिट थी ब्लू की। ठीक है, तो नीचे से यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द यंग बॉर्न विद दिस कॉम्बिनेशन आर विजिबली या फिनोटाइपिकली ग्रीन, बट द जीनोटाइप ऑफ दिस बर्ड्स इज ग्रीन स्प्लिट फॉर ब्लू, जनरली रिटन एज ग्रीन बार ब्लू। इसका मतलब ये कि हमने जब ब्लू बर्ड को ग्रीन बर्ड से मेट किया तो हमारे पास सारे के सारे ग्रीन बच्चे आए एंड वो स्प्लिट थे ब्लू के। अब क्या हुआ, इसी चिक्स को हमने यूज़ करके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि मान लीजिए हमने एक ये चिक ले लिया एंड एक ये चिक ले लिया एंड हमने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई, एंड जब हमारे पास जो चिक आएंगे उसमें क्या होगा, एक हमारे पास आएगा ग्रीन बर्ड जो स्प्लिट होगा ब्लू का। ये देखिए यहाँ पे दोनों ब्लू ब्लू है, मतलब ये हमारे पास एक विजिबल ब्लू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से ग्रीन बर्ड आएगी एंड फिर से यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन बर्ड आएगी जो स्प्लिट होगी ब्लू की। यहाँ पर देखिए फोकस करना, जो ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे थे तो देखिए जैसे जैसे ही मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है एंड ये हमारा सेकंड क्रोमोसोम है, जैसे ही दोनों क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हुआ, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हुआ, वैसे ही तभी हमको ब्लू कलर देखने के लिए मिल गया। ठीक है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्लिट बर्ड्स फॉर द ब्लू कलर, हियर वी कैन सी दैट 1 in 4 25% इज होमोजाइगस ऑफ प्योर ग्रीन। इसका मतलब ये कि 4 में से 1 बच्चा मतलब 25% हमारे पास होमोजाइगस ग्रीन मतलब ग्रीन बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास 52 बच्चे हमारे पास मतलब 50% 2 बच्चे हमारे पास ग्रीन बर्ड आ रही हैं जो स्प्लिट हैं ब्लू की, एंड 4 में से 1 बच्चा मतलब 25% हमारे पास एक बच्चा ब्लू आ रहा है। हाँ, द स्प्लिट यंग आर नॉट विजिबल डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ग्रीन यंग टू डिटरमाइन विच यंग आर स्प्लिट, टेस्ट मेटिंग्स नीड टू बी कंडक्टेड। कि हम इसका मतलब ये है कि जो स्प्लिट बर्ड है हम उसको बाहर से देख के ये नहीं कह सकते कि कौन सी बर्ड ब्लू की स्प्लिट है एंड कौन सी नहीं, तो हमको अगर हमको पता करना है कि अगर हमारी जो ग्रीन बर्ड है वो ब्लू की स्प्लिट है या नहीं, तो हमको एक टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया था, कि जो पर्सोनाटस जो मास्क्ड आई रिंग लव बर्ड होती हैं उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बर्ड है पर्सोनाटस डार्क ब्लू, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा, और ये भी ऑटोसोमल टाइप ऑफ म्यूटेशन ही है एक तरीके से, बिकॉज़ ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं हो रहा है। तो देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसेसिव म्यूटेशन लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स। मतलब ये हमारे हो गए ऑटोसोम, ठीक है, हेंस कॉल्ड नॉन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। जो ये नॉन सेक्स लिंक्ड इनो है ये भी हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर ही होता है, बट इसमें भी यही चीज़ कंडीशन है कि जो म्यूटेशन है वो दोनों क्रोमोसोम पे होना चाहिए, तभी हमारे पास एक विजुअल बर्ड आएगी, कि तभी हमारे पास एक विजुअल बर्ड देखने के लिए मिलेगी। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन है तो वो हमारी बर्ड कैरियर हो जाएगी इस म्यूटेशन की, मतलब हमारे पास ग्रीन बर्ड होगी एंड वो स्प्लिट हो जाएगी उस म्यूटेशन की जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को। सो बोथ द पेरेंट्स शुड पास द रिसेसिव जीन इन ऑर्डर टू गेट अ विजुअल बर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होना ज़रूरी है तभी हमको एक विजुअल बर्ड मिलेगी। फीमेल्स ऑलवेज शो दिस म्यूटेशन यूजुअली, वेयर एज मेल कैन बी स्प्लिट फॉर द रिसेसिव म्यूटेशन। जैसे कि हमें पता है जो फीमेल होती हैं वो XY होती हैं, है ना, एंड जो मेल होते हैं
वो एक्स एक्स होते हैं। तो जो फीमेल होंगी उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर अगर म्यूटेशन है तो हमको वो विजिबल हो जाएगा। अगर इस क्रोमोसोम पे म्यूटेशन है तो वो हमको विजुअल ब्लर्ड हो जाएगी। एंड मेल में क्या होता है, इनके पास दो एक्स क्रोमोसोम हैं, इनमें से अगर एक भी अगर अगर दोनों अफेक्टेड हैं तो हमको विजुअल ब्लर्ड मिल जाएगी। एंड अगर एक्स एक ही एक्स इफेक्टेड है एंड एक नॉर्मल एक्स है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक नॉर्मल ग्रीन बर्ड होगी एंड वो स्प्लिट होगी उस म्यूटेशन की जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जैसे कि मान लीजिए ब्लू, ठीक है। एंड नॉन सेक्स लिंक्ड डीएनओ का वेरी क्लासिकल एग्जांपल हम देखते हैं पर्सोनाटिस ग्रुप में, वाइट आई रिंग पर्सोनाटिस में मोस्टली देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये हमारे पास सामने एक अल्बिनो बर्ड है, इसको अल्बिनो बर्ड है। एंड लुटिनो फिशर भी एक तरीके का नॉन सेक्स लिंक्ड इनो ही है। अब हम नेक्स्ट न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इसका मतलब क्या है देखते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब यहाँ पर पहले, अभी तक हम ऑटोजोम्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है, हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोजोम के बारे में। ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम हैं, ठीक है। अब अगर हमारे दोनों के दोनों जो क्रोमोजोम हैं वो म्यूटेटेड हैं तो वो हमको एक विजुअल बर्ड देगा, ठीक है। जो और इसको हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो इट इज़ अ रिसेसिव म्यूटेशन लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होना, दोनों सेक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होना, उसे हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन द जीन मस्ट बी म्यूटेटेड ऑन बोथ द क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर टू बी विजिबल। जैसे कि अभी बताया दोनों क्रोमोजोम को म्यूटेटेड होना ज़रूरी है एक विजुअल बर्ड के लिए। वी नो मेल बर्ड हैव एक्स एक्स क्रोमोजोम, सो अ मेल कैन बी अ स्प्लिट फॉर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। हमको पता है कि जो मेल होता है उसके पास एक्स एक्स म्यूटेशन एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो वो हमारा मेल स्प्लिट स्प्लिट हो सकता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन के लिए। बट हमारे जो फीमेल होती हैं उसके पास एक ही क्या बोलते हैं एक्स क्रोमोजोम होता है, तो फीमेल्स हमेशा अफेक्टेड होती हैं सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन से, ठीक है। उसके बाद वेयर एज फीमेल बर्ड हैज़ एक्स वाई क्रोमोजोम ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, सो फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड। जैसे मैंने बताया ओनली एक एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल्स हमेशा अफेक्टेड होती हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन से, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उनके पास एक एक्स होना ज़रूरी है एंड वो ही एक्स अफेक्टेड हो जाता है तो हमारे पास अफेक्टेड बर्ड आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लुटिनो पीच फेस बर्ड द इनो फैक्टर इज पास्ड ऑन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। देखिए इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो लुटिनो पीच फेस बर्ड होती हैं उसमें जो इनो फैक्टर होता है वो पास होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब देखिए कि जैसे यहाँ हमारे पास एक लुटिनो बर्ड है एंड हमारे पास एक ग्रीन बर्ड है, जो हमारी ग्रीन बर्ड वो हमारी फीमेल है एंड जो हमारा मेल है वो लुटिनो है। तो जब इनकी मेटिंग हुई तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, हमारे पास जो एक मेल आया वो कैसा था, वो मेल कैसा था, वो ग्रीन था एंड वो स्प्लिट था इनो का, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो फीमेल आई वो लुटिनो आई,
ठीक है। फिर जो हमारे पास फिर से जो मेल आया वो ग्रीन था एंड वो स्प्लिट था इनो का, एंड अगेन जो हमारे पास जो फीमेल आई वो विजुअली लुटिनो थी। इसका मतलब ये है कि दोनों, अगर दोनों क्रोमोसोम म्यूटेटेड हैं तो हमारे पास लुटिनो बच्चा आ रहा है, एंड अगर एक ही क्रोमोसोम म्यूटेटेड है तो हमारे पास ग्रीन बर्ड आ रही हैं एंड वो स्प्लिट हैं लुटिनो की। एंड बट अगर हम फीमेल में देख रहे हैं तो हमारे पास अगर एक ही क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, दैट इज़ एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, एंड स्टिल हमको लुटिनो बर्ड मिल रही है। फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन वी गेट 50% ग्रीन दैट इज स्प्लिट टू इनो कॉक्स एंड 50% लुटिनो हैंस। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोजोम डिटरमाइंस वेदर वी आर डीलिंग विद अ हैन और अ कॉक। इसका मतलब ये है कि द प्रेजेंस ऑफ और द एब्सेंस, जो यहाँ पर वाई है उससे हमें पता चलता है कि हम वेदर हम मेल बर्ड से डील कर रहे हैं या हम फीमेल बर्ड से डील कर रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल हैं कुछ सेक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन के, सेक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन के, जैसे कि ये हमारा ऑरेंज फेस्ड पीच और सॉरी ऑरेंज फेस्ड लुटिनो ऑफलाइन बर्ड है, एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास सिनेमोन ग्रीन बर्ड है, सिनेमोन ग्रीन बर्ड है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है। आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे कि हमने अभी पता किया, जो हमने अभी स्टडी किया कि दोनों क्रोमोसोम पे अगर म्यूटेशन है तो हमारे पास वो विजिबल बर्ड मिल रही है, बट अगर एक ही क्रोमोसोम पे म्यूटेशन है तो हमको बर्ड स्प्लिट मिल रही है उस म्यूटेशन की, बट जो फीमेल्स हैं वो हमेशा अफेक्टेड हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप इन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस को देखेंगे, जैसे कि ये ऑरेंज फेस लुटिनो ऑफलाइन है, इसके अंदर आपको ना 90% केसेस में, मोस्टली 90% केसेस में आपको फीमेल्स ये देखने के लिए मिलेंगी। मेल्स का मिलना मतलब इट्स नॉट वेरी कॉमन टू हैव मेल बर्ड, बिकॉज़ उसको प्रोड्यूस करने के लिए दोनों क्रोमोसोम को म्यूटेटेड होना ज़रूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट म्यूटेशन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो है एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट। चलो देखते हैं ये क्या है। तो सेक्स लिंक्ड कहा जा रहा है तो हमें ऑब्वियस ही बातें समझ जानी चाहिए कि ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हो रहा है। सो इट इज़ अ डोमिनेंट म्यूटेशन लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सिंस मेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, दे कैन हैव दिस म्यूटेशन इन सिंगल और डबल फैक्टर। इसका मतलब ये कि जो मेल है उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर ही म्यूटेशन है तो हमको सिंगल फैक्टर बर्ड मिलेगी, मतलब विजिबल बर्ड मिलेगी, एंड अगर हमारे पास दोनों क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन है तो हमारे पास डबल फैक्टर बर्ड मिलेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, अ फीमेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, सो इट कैन नेवर बी डबल फैक्टर, इट इज़ ऑलवेज सिंगल फैक्टर। द वाई क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन एनी कलर दैट इज पिगमेंट इन्फॉर्मेशन। लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब यह है कि जो फीमेल है उसके पास एक्स वाई होता है ना, तो मान लीजिए हमारा ये एक्स है एंड ये हमारा वाई है, ठीक है। तो फीमेल के पास कोई चांस ही नहीं है उसका, अगर उसको ये अगर एक एक्स जो एक्स क्रोमोसोम है वो म्यूटेटेड है तो वो अफेक्टेड हो गई एंड वो सिंगल फैक्टर हो गई। उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो डबल फैक्टर हो ही नहीं सकती, एंड जो ये दूसरा क्रोमोसोम है जो हमारा वाई क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी कलरेशन या किसी भी कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अंदर कोई भी पिगमेंट या कलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर्म कैन नॉट बी फाउंड इन लव बर्ड्स, सो वी टेक फेस्टल गोल्डियन फिंच एज एन एग्जाम्पल।
लेट अस वॉच कि ये क्या है। जो ये म्यूटेशन है ये हमको लवबर्ड्स में देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए हम इस म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पेस्टर गोल्डन फिंच का एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, जो लेडी लेडी गोल्डियन पेस्टर फिंच होती हैं, उनके अंदर जो ये म्यूटेशन होता है सेक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन, हमको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, ये हमारा मेल है एक्स एक्स, ठीक है, एंड जो ये है हमारी फीमेल है। तो जब हमने ये इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमने देखा कि जो हमारे पास मेल आए वो सिंगल फैक्टर पेस्टल हैं, ठीक है, एंड जो हमारे पास फीमेल आई वो सिंगल फैक्टर पेस्टल हैं, ठीक है, जन अगेन जो हमारे पास मेल आए वो सिंगल फैक्टर पेस्टल हैं, एंड जो हमारे पास फीमेल आई अगेन वो सिंगल फैक्टर पेस्टल हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो फीमेल है वो हमेशा सिंगल फैक्टर होंगी एंड जो मेल है वो हमेशा डबल फैक्टर होगा। एंड सिंस ये डोमिनेंट है तो इवन अ सिंगल फैक्टर कैन रिजल्ट इन अ विजुअल बर्ड। अगर एक भी क्या बोलते हैं, एक भी क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, एक भी सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, तो वो हमको विजिबली देखने के लिए मिलेगा सिंस इट इज़ अ डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट मतलब वो अपना एक्सप्रेशन हमेशा देगा। तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ डबल फैक्टर पेस्टल इन टू अ वाइल्ड लाइफ रिजल्ट सॉरी वाइल्ड टाइप रिजल्ट इन ओनली सिंगल फैक्टर पेस्टल डिसेंडेंट्स। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है एक सिंगल फैक्टर डोमिनेंट लेडी गोल्डियन फिंच, दैट इज पेस्टल गोल्डियन फिंच, सेक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन का ये एग्जांपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर कमेंट एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब।